तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक कौन मचा रहा था। आई होप दोस्तों सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे हरियाणा से डिप्लोमा, डी फार्मेसी, डी फार्मा, एमएलडी कोर्स या अदर कोई सा कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको हरियाणा के डिप्लोमा के जो बच्चे हैं, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, सिविल के, ठीक है, उनका मैं सिलेबस बताऊँगा। मैं दोस्तों आपको सिलेबस ऑड सेम प्लस इवन सेम का दोनों का शेयर करूँगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सिलेबस पता लग सकेगा कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में क्या कुछ सिलेबस पढ़ने को होता है। अभी पेपर ख़त्म हुए दोस्तों, अभी इवन सेम का सिलेबस आपके फॉलो होंगे, ठीक है, इवन सेमेस्टर के या इवन सेमेस्टर के या इवन सेम के बोल सकते हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। दोस्तों कोई क्वेरी हो मेरे से आप कहीं भी पूछ सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि सबको पता लग सके। आपके कॉलेज के टीचर वो इतने इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने ग्रुप में डाल देना, ताकि जो सब बच्चे हैं जान सके और सबको पता लग सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। एक बात और दोस्तों, इस चैनल को अभी तक 85% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं इसी तरह का वीडियो डालता रहता हूँ, जिस वीडियो एग्जाम रिगार्डिंग एचएसबीटी के जो भी होते हैं उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपको अपडेट सबसे पहले पहुँच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, ठीक है। अभी मैं आपको इवन सेम का दिखाऊंगा, इट मींस कि ये सिलेबस फोर सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, ठीक है। मैं आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ठीक है, इन सब का सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों अभी मैं आपको मैकेनिकल का दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग। दोस्तों मैकेनिकल का फर्स्ट सब्जेक्ट है मेटेरियल एंड मेटलर्जी, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों कुल 6 चैप्टर पढ़ने हैं और इसके प्रैक्टिकल भी होंगे। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं लिंक दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम ग्रुप का, आप ज्वाइन कर लो, मैं वहीं पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा सारे का, ठीक है। सारे ब्रांच का मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, आपको लिंक पर क्लिक करके लिंक से ज्वाइन हो रहा है, उसके बाद मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सब बच्चे पर्सनली मुझसे मत मांगना है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा, तो प्लीज़ जाकर आप ज्वाइन करो, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों में से कोई ज्वाइन कर सकते हो, मैं दोनों पे अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। अब देख सकते हो दोस्तों, नेक्स्ट सब्जेक्ट हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक्स है, ठीक है, मैकेनिकल को पढ़ना है। इसके अंदर दोस्तों कुल 9 चैप्टर है, प्रैक्टिकल भी होंगे इनके, ठीक है। इसके बाद वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 भी पढ़ना है मैकेनिकल वालों को, मशीन डिजाइन एंड ड्राइंग भी कंडक्ट होंगे, उनको भी पढ़ना है, ठीक है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 का प्रैक्टिकल भी होंगे, ठीक है। और एक कैड सब्जेक्ट है, उसको भी पढ़ना है, उसके सिर्फ प्रैक्टिकल होंगे, उसके एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होते, ठीक है। तो कुल दोस्तों 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। इन सिलेबस के अंदर सारे कुछ डिटेल में दे रखा है, तो मैं ये पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा। और एक बात और दोस्तों, मैं सब ब्रांच का भी डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो मैं सारे ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रेमिक्स, मैं सारे का इवन सैम का अपने व्हाट्सएप पे और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, तो जाकर आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप वहाँ से सब का, जो भी आपका ब्रांच है, जो भी सेमेस्टर है, आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यही नोटिफिकेशन शेयर करना था, यही न्यूज आपको देना था, तो मैं अब अपलोड कर दूंगा, जाकर आप सब अच्छे ज्वाइन करो और मज़े से पढ़ाई करो। सो थैंक यू।